अजय महावर जी, बड़ा आरोप है, एक ट्वीट वॉर छेड़ा है मुख्यमंत्री ने। हालांकि राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन हुआ था पिछले दिनों, तो मुख्यमंत्री ने वहां पर भी कहा था कि आम आदमी पार्टी को दरअसल क्रैश करने की कोशिश हो रही है, अरविंद केजरीवाल को खत्म कर दो, ये कोशिशें हो रही हैं और इसी वजह से तमाम नेताओं की फेहरिस्त तैयार की गई है। और आज सुबह मैंने तो बाकायदा टाइमिंग भी मेंशन की है और वो ट्वीट करते हैं कि अब अगला नंबर राघव चड्ढा का है। डर गए हैं आप लोग गुजरात से, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब से गुजरात की जिम्मेदारी दी और जब से उन्होंने काम संभाला है आप लोग घबराए हुए हैं। देखिए, जो पार्टी लोकसभा में एक सांसद नहीं और प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, उससे हम डरेंगे क्या? ये तो खाली एक अपने अपने अपराधियों को संरक्षण देने की बात है, अपने भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने की बात है। जब से विजय नायर की और समीर महेंद्रू की गिरफ्तारी हुई है तब से इनके पेट में ज्यादा दर्द हो गया है, क्योंकि उनको पता है कि ये राजदार हैं, उनको पता है कि ये उनके कमाऊ पूत रहे हैं और इसके कारण से अब इनको ख्वाब बहुत आते हैं। जो नहीं वो तो 4 महीने से कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे, पहले सतेंद्र जैन गिरफ्तार हो चुके हैं, उस पर बयान नहीं देते, उन पर बहुत सारे आरोप लगे हैं और अब तक उसको बेल नहीं मिली, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। अच्छा, राघव चड्ढा जी के लिए भी इनको सपना आया होगा कोई, अभी हमारे यहां तो कोई डिस्कशन नहीं हुई है, या हम कौन होते हैं? एजेंसी अपना काम कर रही है और अगर कहीं साक्ष्य मिलते हैं तो उसको सजा मिलेगी, नहीं मिलते हैं तो बाइज्जत बरी होंगे। अभी तो लगातार इनकी जो बयानबाजी आ रही है ये इनको अपने आप कल्पनाएं आती हैं। और मुझे तो लगता है केजरीवाल जी पहले एक प्रोपेगंडा करके बड़े बड़े नेताओं को आम आदमी पार्टी से बाहर कर दिए, आज फाउंडर मेंबर कितने बचे हैं? है ही नहीं। इनके 62 विधायकों में 10 फाउंडर मेंबर बचे हैं, बाकी सब बाद में आए हुए लोग हैं। तो ये जो आप चाहते हैं शायद कि इनको भी गिरफ्तार करवा के कह कह करके खुद ही कोई ना कुछ व्यवस्था करने में लगे हैं, ताकि ये जो जो नाम बड़े होते जा रहे हैं आम आदमी पार्टी में वो कहीं ना कहीं साइडलाइन लग जाएं। और प्रोपेगंडा करने में तो ये माहिर है, ये तो उत्तराखंड के चुनाव में भी यही बातें कर रहे थे और कह रहे थे डर गई है बीजेपी, डर गई है बीजेपी। अरे भाई 68 में 70 में से आपकी जमानत जब्त होगी, क्या डर गई बीजेपी? अरे सर, तो दिल्ली और पंजाब भी तो आपके हाथ से गया हुआ है, गुजरात में अवार्ड में भी, सूरत में कितना बेहतरीन प्रदर्शन है, कम से कम कंटेस्ट तो कर रहे हैं ना। अब एक वो भी दौर था ना जब आप लोग सिर्फ 2 थे लोकसभा में, आज सरकार में है तो कम ज्यादा चलता रहता है सर। हम तो स्वागत करते हैं कंटेस्ट, हाँ, 10 एक पार्टी जिसको 10 साल हुए हैं तो प्रदर्शन कोई खराब तो नहीं है। राज्यसभा में देखिए उनके कितने 10 सदस्य हो जाते हैं, क्या ये कम है क्या किसी पार्टी के लिए? राज्यसभा में तो दोस्त अभी 7 सदस्य उनके हैं, अभी 10 नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि लोकसभा में उनके अभी 1 भी मेंबर नहीं है और वो ख्वाब प्रधानमंत्री के देख रहे हैं, इसलिए इतनी सारे प्रोपेगंडा कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के स्टेचर के आगे बार बार खुद को विक्टिम बनाकर रखना चाहते हैं। हमने तो स्वागत किया, उन्होंने तो बनारस भी जाके लड़े, जमानत जब्त करा के आए, हमने क्या विरोध किया? अभी 355 जगह जमानत जब्त करा के आए हैं उत्तर प्रदेश में, उसके बाद कह रहे हैं कि हम डर गए। जमानतें तो जब्त होती हैं, वो कोई ऐसा कोई अपराध नहीं हो जाता और ना ही वो कोई सर्टिफिकेट है किसी भी पार्टी के लिए सर कि बस उसका भविष्य खत्म हो गया। शून्य से आप शिखर पर पहुंचते हैं, आप शिखर से शून्य पे आते हैं, फिर आप शुरुआत करते हैं, तो ये तो अप्स एंड डाउन किसी भी दल के लिए है। मैं इस बात का जवाब दे रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि हम डर गए, हम 18 स्टेट में आज शासन में है, हम डर गए, हम लोकसभा में 2 बार जीत गए, हम डर गए, और वो बहुत बड़े पहलवान हो गए। हम कहते हैं विपक्ष के नाते आप आइए, स्वागत है, स्वस्थ परंपरा है, स्वस्थ लोकतंत्र होना चाहिए, विपक्ष और पक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र कैसे रहेगा? हम तो कभी विरोध नहीं करते किसी स्टेट में लड़ने का, लेकिन ये जो बातें करते हैं डर गए, ऐसे तो कभी कांग्रेस ने भी नहीं कहा था जब हम 2 थे। तो डर गए वाली बात कहना ये इनकी विदित मानसिकता को दर्शाता है। ठीक है, आपने अपनी बात रख ली। डरे हुए ये लोग हैं क्योंकि भ्रष्टाचार और पाप इन्होंने किया है। चलिए ठीक है।